तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास जो है 150 वाट का सेटअप लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं दो प्लेटें हैं, 150 वाट की दो प्लेटें हैं, सेल जर्मनी की प्लेटें हैं, 5 ईयर वारंटी के अंदर आती है। और एक प्लेट 7 एम्पेयर देती है, तो दोनों मिलके जो है ना ये 14 एम्पेयर दे रही होती है। और मैंने ये चरपाई का एक फ्रेम बनाया हुआ है, ये मैंने एक चरपाई का आप देख सकते हैं फ्रेम बनाया हुआ है। इसको जो है ना मैंने बकायदा जो है ना शेलिंग वायर से जो है ना इसको होल्ड किया, ताकि प्लेटें जो है ना हवा की मदद से ये उड़ ना सके। और ये आप देख सकते हैं प्लेटों की क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफी अच्छी किस्म की क्वालिटी है प्लेटों की। 150 वाट की दो प्लेटें ये देख सकते हैं आप, फ्रेम बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल जो है ना इसको 41 डिग्री के ऊपर मैंने रखा हुआ है, ताकि जो है ना सुबह 8 से लेकर शाम तक इसके ऊपर जो है धूप आराम से इसके ऊपर पड़ती रहे। और ये आप वायर देख सकते हैं आप, ये मैंने जो है ना ये 4 mm की वायर यूज करी हुई है, डीसी जो है ना अल्ट्राटेक वालों की वायर यूज करी हुई है। नीचे यही वायर जा रही है गाइस, ये देख सकते हैं आप, नीचे यही वायर जा रही है, डीसी वायर है, काफी अच्छी क्वालिटी की ये वायर है। और ये गाइस दोनों को जो है ना मैंने जो है ना दोनों को जो कनेक्शन है, दोनों प्लेटों को जो कनेक्शन है वो पैरेलल के अंदर किए, मैं सीरीज में नहीं करे हुए। पैरेलल में करने का मकसद ये होता है कि दोनों एम्पेयर बढ़ जाते हैं, वोल्ट इसके सेम रहते हैं, वोल्ट जो है 20-22 वोल्ट ही दे रहा होता है, एम्पेयर जो है ना प्लस होकर 14 एम्पेयर हो जाता है। तो इस वक्त 5 बजे का टाइम है, धूप आ रही है, जा रही है, आ रही है, आ रही है, इस वक्त मैक्सिमम दोनों प्लेट मिलकर ही 5 एम्पेयर दे रही है बस। ये देख सकते हैं आप, ये 30 एम्पेयर का हमारे पास कंट्रोलर लगा हुआ है, मैनुअल कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसकी मैंने यहाँ पे सेटिंग करी हुई है। तो अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊँ इसकी, तो इसको जो मैंने जो है इस वक्त जो है ये देख सकते हैं आप, ये 14 वोल्ट के ऊपर इसको मैंने पीवी ऑफ करा हुआ है, ताकि जो 14 वोल्ट होंगे तो हमारी ऑटोमेटिक बैटरी जो है ना वो चार्ज हो जाएगी, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। और अगर इसका कट ऑफ देखें तो इस 9.5 वोल्ट के ऊपर मैंने इसका कट ऑफ रखा हुआ था, जैसे 9.5 वोल्ट पर बैटरी आएगी तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर इस वक्त अगर आगे की इस वक्त जो है करंट जो अगर एम्पेयर की बात करें, तो इस वक्त 5 बजे के टाइम में तो इस वक्त देखते हैं आप ये 0.0 एम्पेयर आ रहे हैं। और बारिशों का मौसम है कराची के अंदर, मौसम जो है अबर गया, तो इस वक्त एम्पेयर देख सकते हैं आप 5 बजे के टाइम में इस वक्त 0.0 एम्पेयर आ रहे हैं। और अगर जैसे अगर आउटपुट लोड की बात करी जाए, तो इस वक्त जो है ना 2 एम्पेयर हमारा लोड चल रहा है। आगे हमारे पास जो है ना एक पंखा, इस वक्त हमारा फैन जो है ना 100 एम्पेयर की बैटरी के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से आउटपुट आप देख सकते हैं 2 एम्पेयर ये शो कर रहा है। इसके साथ 100 एम्पेयर की बैटरी लगाई हुई है, और पेनिस कंपनी की 100 एम्पेयर की है, 100 मॉडल है, 72 एम्पेयर की होती है गाइस ये। और इसकी प्राइस जो है ना 15,500 रुपये की मैंने ये परचेज़ करी है, पोनेस की बैटरी। और ये 30 एम्पेयर का कंट्रोलर जो है मैंने जो है 1500 रुपये का लिया है गाइस, ये देख सकते हैं आप, 30 एम्पेयर का कंट्रोलर है और ये 1500 रुपये का है। और इसी साथ देख सकते हैं आप, मैंने जो है ना ये अपने नेट की डिवाइस को जो है ना बिल्कुल जो है ना इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक मैंने जो है बक कन्वर्टर लगाया हुआ है इसके ऊपर, डायरेक्ट देख सकते हैं आप, ये 12 वोल्ट से जो है ना ये हमारा जो है ये नेट की डिवाइस देख सकते हैं, ये आपकी बेहतरीन फर्स्ट क्लास चल रही है, 24 घंटे इसी के ऊपर चलती है, ना ये बंद होती है, ना ये ऑफ होती है, ना ये डिस्कनेक्ट होती है, 24 घंटे ये नेट की डिवाइस हमारी इसी के ऊपर चलती है। तो ये देख सकते हैं मैंने कि बक कन्वर्टर लगाया हुआ है, इसकी सेटिंग बहुत आसान है। ये देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट के ऊपर जो है ना ये इनपुट 12 वोल्ट की, यानी कि ऊपर से जो इनपुट जो 12 वोल्ट की आ रही है वो प्लस यहाँ लगाया हुआ है, माइनस यहाँ लगाया हुआ है। और इसी तरह जो आगे राउटर की जो दो तार है वो यहीं से मैं आउटपुट ले गया हूँ, आउटपुट प्लस पे और आउटपुट माइनस में मैंने ये तार लगाई है। और ये इसका आप देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट है, ये इसका एडजस्टमेंट है, यहाँ से आप इसके वोल्टेज की एडजस्टमेंट करते हैं। मेरा जो ये राउटर जो होता है ये 12 वोल्ट का था, तो मैंने 12 वोल्ट के ऊपर इसको एडजस्ट किया। अगर आपका 9 वोल्ट का होगा तो आप इसको 9 वोल्ट पे करें, अगर आपका 5 वोल्ट का होगा तो आप इसको 5 वोल्ट पे करें। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मार्केट से मैंने ये 250 रुपये का परचेज़ किया था, और मेरा राउटर जो है 24 घंटे इस बैटरी के ऊपर चलता रहता है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल भी चार्ज पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये इस वक्त मेरा मोबाइल भी ये चार्ज पे लगा हुआ है, और इस मोबाइल को भी मैं इस बॉक्स की मदद से चार्ज कर रहा हूँ। और ये बॉक्स ही आप वायर भी देख सकते हैं डायरेक्ट जो है ना ये बैटरी के अंदर जा रही है। इसका भी एक चार्जिंग मॉड्यूल आता है जो कि बॉक्स के अंदर मैंने खुद जो है ना अपनी खुद ऑल्ट्रेशन करके लगाया हुआ है। ये फास्ट चार्जर है, टर्बो चार्जर है, और प्लस माइनस प्रॉपर लगाना है आपने, उल्टा नहीं लगाना, प्लस माइनस आपने देख के लगाना है। और बैटरी आपकी जो है वो सॉरी आपका मोबाइल जो है ना बेहतरीन फर्स्ट क्लास चार्ज होगा, आपके पास लाइट हो या लाइट ना हो। देखें जैसे ये मैं निकालूंगा यहाँ से, ये डिस्कनेक्ट हो गया, और जैसे ही इसको मैं लगाऊंगा ये इसके साथ ये ऑन हो जाएगा। ये मैंने इसको जो है इसके साथ करा तो ये हमारा चार्ज शो हो गया गाइस। तो ये देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो है कनेक्ट हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इस वक्त जो है गाइस मैंने जो है इसके ऊपर मैं मज़ीद लोड डाल के दिखाता हूँ आपको जो है ना, तो मैं आपको ये फ़ैन दिखाता चलूँ। हमारे पास इस वक्त जो है ये एक पंखा चल रहा है, तो मैं इसका ये इसका रिमोट पड़ा हुआ है, और ये मैं इसके रिमोट से इसको जो है 5 की स्पीड पर कर देता हूँ, ताकि जो है ये मज़ीद और हाई हो जाए।
तो फ़ैन की आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी ये हाईवे के ऊपर चल रहा है। और अब मैं यहाँ पे इसको आपको एम्पेयर चेक कराता हूँ कि आउटपुट के ऊपर हमारे जो है ये कितने एम्पेयर जा रहे हैं। तो गाइस इस पर देख सकते हैं 3.5 एम्पेयर इसके ऊपर जा रहे हैं। और साथ ही में जो है ना इसके ऊपर मैंने जो है एक बल्ब भी लगाया है, तो आप ये बल्ब भी देख सकते हैं मेरे पास है कि DC 7A का बल्ब लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, 1 साल की वारंटी में आता है। इसके ऊपर मैं बल्ब भी चला रहा हूँ। और ऊपर जो है गाइस मैंने छत के ऊपर 2 प्लेटें लगी हैं, 150 वाट की 2 प्लेटें, 300 वाट का छोटा सा सेटअप है, 2 पंखे लगे हुए हैं हमारे घर में, जो एक ये भी पंखा चल रहा है और एक पंखा मैं आपको दूसरा भी चला के ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये दूसरे पंखे का भी पंखा जो है ना मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, फुल स्पीड के ऊपर चल रहा है। और इस कमरे के अंदर भी हमारा जो है Osaka का बल्ब लगा हुआ है, 1 ईयर वारंटी के अंदर आता है। तो इस वक्त जो है करंट जो लोड हमारे पास चल रहा है, ये 2 पंखे चल रहे हैं और 2 लाइटें चल रहे हैं। तो मैं अब बाहर जाके चेक करता हूँ कि हमारा जो है एम्पेयर आउटपुट पे कितना आ रहा है। तो गाइस अब मैं जो है ये बाहर आ चुका हूँ, अपने कंट्रोलर की तरफ आ चुका हूँ। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है ये 5 बजे का टाइम है, और ऊपर से आप देख सकते हैं PV ऑफ है, अबर का मौसम है और 5 बजे का टाइम है, ये बिल्कुल लो टाइम है सोलर के लिए। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं ये एम्पेयर जो है आउटपुट के ऊपर 5000 या 4 एम्पेयर जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा जो है ना ये आप देख सकते हैं 2 पंखे चल रहे हैं और 2 लाइटें चल रही हैं इस वक्त। तो ये परफेक्ट है रात के लिए, बैकअप भी मेरे पास बच जाएगा। लेकिन इस वक्त आज जो है मौसम जो है ना ठीक नहीं था, वरना रेगुलर जो है इस वक्त भी जो है कम से कम 6 एम्पेयर आराम से आ रहे होते हैं। तो इस वक्त एम्पेयर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और जिसे मैंने बताया रोज़ाना जो है ना टोटल इस वक्त जो है ना रोज़ाना के टाइम 5 से 6 एम्पेयर इस वक्त आ रहे होते हैं, लेकिन 5 बजे और मौसम भी अबर का है। तो उसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें हमारा ये लोड भी चलाती हैं और साथ में हमारी 100 एम्पेयर की बैटरी भी चार्ज हो रही होती है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन से चार्ज हो रही है। बैटरी लगाने का मकसद ही हमारे को बैकअप चाहिए होता है, रात के टाइम हमारे को जो है ना 3 से 4 घंटे का यह बैटरी हमारे को जो है ना बैकअप दे देती है। क्योंकि आपको पता है जिस इलाके में हम लोग रहते हैं यहाँ पे जो है ना 8 बजे लाइट जाती है और ये 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उस लोड शेडिंग के अंदर ये बैटरी हमारे लिए जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस वक्त इस बैटरी के ऊपर जो है ना हम लोग ये 2 पंखे 2 लाइटें हैं, और अभी नेट वाली डिवाइस भी हम इसी के ऊपर चला रहे हैं, नेट वाली डिवाइस भी हम लोग इसी के ऊपर चला रहे हैं, और साथ में हम लोग जो है सारा से नहीं इसको जो है ये मोबाइल चार्ज भी हम यहाँ पे करते रहते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।